नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज हम आलू के परांठे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने आलू 10-12 आलू लिए थे, उनको धो के उबाले हैं, 4 सीटी में तैयार हो गए थे। अब उनको छील के मैंने ये रख लिया है। हरा धनिया पत्ता, 1 कच्चा प्याज काटेंगे, 5-6 हरी मिर्च और मसाला। ये मैंने धनिया सूखा पाउडर लिया है, सेंधा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ी हींग, सौंफ, गरम मसाला, लाल मिर्च, आधा नींबू, थोड़ा कड़ी पत्ता। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आम चूरन भी डाल सकते हैं। अब हम ये पूरा मसाला मिक्स करेंगे। पहले हम आलू को तोड़ेंगे, इसको बारीक करेंगे। आप ये करने से पहले आप अपने हाथ को अच्छे से धो लें, या फिर किसी बर्तन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से इसको अच्छे से मैश करूँगी। ये हमने आलू को तोड़ लिया है। ये देखो दोस्त, ये मैंने आलू को तोड़ दिया है। अभी हम इसमें हरी मिर्च काटेंगे। मिर्च आप छोटी बड़ी आप साइज से काट सकते हैं, अपने हिसाब से। ऐसे ही हम ये सारी मिर्चें काट लेंगे। ये देखें, अब हम ऐसे ही एक ये प्याज लिया है, ये काटेंगे, क्योंकि कच्चा प्याज काटने से इसका टेस्ट अलग ही होएगा। ये हमने एक कच्चा प्याज, ये देखिए हमने प्याज भी इसमें काट दिया है। अब हम इसमें इसी तरह धनिया काटेंगे। ये हमारा धनिया, प्याज, हरी मिर्च कट गई हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। जो मैंने आपको मसाला बताया था, वो पूरा मसाला मैं इसमें एक साथ ही डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा खट्टा के लिए नींबू डालेंगे। ये निचोड़ने से पहले नींबू के बीज निकाल देना। ये हमने नींबू निचोड़ दिया है। अभी हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसमें तीखा कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको लाल मिर्च ज़्यादा पसंद हो या हरी मिर्च, उसी हिसाब से आप ज़्यादा डाल सकते हो। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम आटा लगाएंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा आटा तैयार हो गया। मैंने 10 मिनट पहले इसको लगा के और ढक के छोड़ दिया था। अभी हम तवा रखेंगे गर्म होने के लिए। ये मैंने तवा रख दिया है। अब हम परांठे बनाने के लिए तैयार हो गए। ये देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया। और ये मक्खन आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मक्खन में बनाऊँगी। तो हमने परांठे के लिए इतना मोटी लोई लेनी है।
लोई लेके हमें रोटी बेलना है इसका। और अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। ये हमने मक्खन लगा दिया है। अब इसमें हम आलू का मसाला डालेंगे। अब हम इस रोटी को दोबारा इसे मोड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा मसाला अंदर चला गया। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से हमें अभी सूखा आटा लगाना है। अब हम हल्के हल्के हाथों से बेलन को बेलेंगे ताकि हमारा मसाला बाहर नहीं निकले। ऐसे ही बेल के हम पूरे परांठे बनाएंगे। ये देखिए, हमारा परांठा तैयार हो गया है। बिल के साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारी रोटी बिल गई। अभी हम इसको तवा पर डालते हैं। ऐसे ही हम दूसरी रोटी लेंगे। इसको भी हम इसी हिसाब से पहले सूखा आटा लगाएंगे, फिर इसको रोटी बनाएंगे। ये हमारी रोटी एक साइड, ये परांठा सेक गया। अभी हम इसको दूसरी साइड पलटी कर दिया है। तब तक हम दूसरी इस रोटी के ऊपर मक्खन लगाएंगे और मसाला भरेंगे। इसे इसको भी हल्के हाथों से बेलेंगे। तब तक हम अपने तवा के ऊपर जो परांठा है इस पर मक्खन लगाएंगे। अब इसको दूसरी साइड फिर पलटेंगे, दूसरी साइड फिर मक्खन लगाएंगे। ये ऐसे कर करके हम एक एक परांठे पूरे तैयार करेंगे। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा कलर आया है परांठे का। देखिए, दोनों साइड हमारा परांठा सिक गया है। अब हम दूसरे परांठे को हल्के हाथों से बेलेंगे और इसको भी उसी तरह तवा पर डाल के सेकेंगे। कई बार आपका आटा बेलन और चकले पर लगता है तो आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके सूखा आटा भी डाल सकते हैं और फिर ऐसे पलटी करके इस साइड भी थोड़ा हल्का आटा डाल सकते हैं ताकि आपका परांठा फटे नहीं और ऊपर नीचे चिपके भी नहीं।
ये हमारा पहला परांठा बन गया है। अब हम इसको किसी थाली में निकाल देंगे। हम इसको थाली में निकाल देंगे। अब हम दूसरा परांठा डालेंगे। ये हमारा परांठा तैयार हो गया है बनके। अभी हमने इसमें चटनी डाल दी है और इसमें अभी सॉस डालेंगे। और ये हमारा खीरा का रायता। अभी हम इस परांठे पर मक्खन डालेंगे। अगर परांठे के ऊपर मक्खन नहीं आए तो परांठा खाने का मज़ा ही नहीं है। ये देखिए, ये हमने मक्खन डाला। आलू के परांठे और साथ में मक्खन हो तो मज़ा ही अलग है। चम्मच, ये देखिए हमारे आलू परांठे तैयार हो गए हैं। मक्खन, धनिया चटनी, सॉस और खीरा रायता। आप चाहे तो इसके साथ आम का अचार भी ले सकते हैं। देखो, इसको छोटे बच्चे भी देख के बहुत खुश होंगे और खाने का भी मन ललचाएगा। ये हमारा पूरा डिश तैयार हो गया है। धन्यवाद।